हाय एवरीवन, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, जैसा कि आज 6 अप्रैल, आज का जो टारगेट होने वाला है, क्या क्या होने वाला है ये देख लो फटाफट। 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद पूरा दिन आपका पूरा प्रोडक्टिव वे में जाएगा। 1 मिनट, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। देखो, सबसे पहला काम ये करना है कि प्री का सेक्शनल हो गया तो मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का कोई एक सब्जेक्ट का 2 लगाना है, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट का 2 लगाना है, इसका सोल्यूशन भी जरूर कर लेना एकदम। उसके बाद मेंस के सेक्शनल मॉक में आज बारी है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का मॉक देना, और उसके बाद में इसका सोल्यूशन जरूर जरूर एकदम पूरा करना है एकदम। बिना सोल्यूशन का कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसके बाद प्री लेवल पजल, कुछ काम आपको उसमें डेली बेसिस पे दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि डेली करोगे तभी वो ठीक ठाक होने वाला है। प्री लेवल पजल 10 जो है ना, ये आपको सॉल्व करना ही करना है एकदम, है ना। उसके बाद ब्लड रिलेशन का 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है। क्वांट का यहाँ पे 2 सेक्शन दिया हुआ है, तो कैसलेट DI कर लेना है 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर इग्नोर मत करो इसको, क्योंकि कई बार पूछता है ना तो बच्चा इसको छोड़ के आ जाता है, ठीक है ना। तो अच्छी बात नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन का 10 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस जरूर जरूर कर लेना। इंग्लिश में क्या क्या करना है, देखो न्यूज़पेपर तो आधा घंटा कम से कम पढ़ना है। उसको 10 वोकैब डेली बेसिस पे कर लिया करो, है ना, इसी में से कर लिया करो। 2 RC सॉल्व करो। RC डेली इसलिए देता हूँ क्योंकि RC का लेवल जो है ना धीरे धीरे अपने बढ़ाते रहना एकदम, क्योंकि ये प्री से लेके मेंस तक पूछा जाता है, और पूरा मेंस जो है RC बेस्ड ही रहता है लगभग एक तरह से, ठीक है ना। तो RC वाला सेक्शन अगर ठीक हो जाएगा ना, तो आपका मेंस में स्कोर भी होगा, ध्यान रखना एकदम। उसके बाद क्लोज टेस्ट का 10 क्वेश्चन आपको कम से कम प्रैक्टिस कर लेना है। ये करने के बाद ना SBI POI BPS PO पे जो लोग फोकस कर रहे हैं ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना है। कहाँ से करना है, तो जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, ठीक है, जो भी न्यूज़ वगैरह एडिटोरियल वगैरह पढ़ोगे, तो उसको अपने लैंग्वेज में या तो लिखो या फिर टाइप कर लो एकदम, है ना। क्योंकि RRB में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन SBI PO मेन्स में या BPS PO मेन्स में डिस्क्रिप्टिव का तो आता है, ठीक है ना। राइटिंग करेंट अफेयर्स में डेली अपडेट करो। साथ में अभी वीकली क्विज का ये चल रहा है, तो 23 से लेके 31 मार्च तक ना अच्छे से रिवाइज करके उसका क्विजेस लगा लेना। ये दो एक टॉपिक 2 दिन तो बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर का तो टैगलाइन एंड हेडक्वार्टर का याद नहीं है ना, तो ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों का कर लेना एकदम, ठीक है ना। उसके बाद ना फुल फॉर्म वगैरह सब देख के एकदम ओके कर लो। डेली क्विजेस भी लगा लिया करो। कोई भी डाउट होगा कमेंट करना है, या फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर लेना एकदम, है ना। चैनल पर पहली बार जरूर सपोर्ट करना एकदम, है ना। और क्या, कुछ नहीं, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना सब।